हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। तो यार, एक धमाकेदार वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी और बिग कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी एक बार फिर से हायरिंग कर रही है ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए, काफ़ी अच्छी अच्छी पोजिशन के लिए। पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले जो बैचेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है आज की वीडियो में, जिसके ऊपर कंपनी हायरिंग करने वाली, अगर आप 2020 21 22 23 24 बैच के स्टूडेंट हो तो आप सबके लिए वीडियो होने वाली, तो वीडियो को ज़रूर देखना बिना स्किप किए हुए। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ, मैंने ऑनलाइन करियर पोर्टल पर बहुत सारी वीडियो ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड बना के अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो जाके चैनल को चेकआउट करना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगी जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी और बिग कंपनी हायरिंग कर रही है। गूगल, डिलॉयट, मार्विन वेव, अमेजॉन, ग्लोबल लॉजिक जैसे बिग कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के साथ बिग पैकेज के साथ हायरिंग कर रही हैं। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आई बटन में मैं दे दूँगा, या और जाके आप चेकआउट करना चैनल को और वहाँ से जाके वीडियो को पूरा देख के जाके अप्लाई कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वहीं सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, अगर किसी कारण बस वीडियो बना नहीं पाता हूँ तो वहाँ मैं सीधा पोस्ट कर देता हूँ। तो जाके फटाक से ज्वाइन कर लेना और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आ रही है, बीटेक और EME MTech MCA BSc UC के स्टूडेंट के लिए हायरिंग टाइम टू टाइम होती रहती है ऑफ कैंपस। बस यहाँ पे जो अभी विप्रो कंपनी हायरिंग कर रही है डिप्लोमा बैच के स्टूडेंट के लिए हायरिंग कर रही है, और डिप्लोमा बैच के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बिग कंपनी की तरफ से बिग अपॉर्चुनिटी है। चूज सक्सेस जो प्राइस सिम रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करके जाके रजिस्टर कर देना। अगर आप डिप्लोमा फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन फ्रॉम द 2020-21-22 बैच के स्टूडेंट हैं, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और आपका बैकग्राउंड जो होने वाला है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन फ्रॉम 2020-21-22 बैच का होने वाला है तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो। और काफ़ी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी है विप्रो जैसी बिग कंपनी की तरफ से। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें क्वालिफिकेशन में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन, और परसेंटेज की बात करें तो 60% या उससे अबव होना चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग 2020-21-22 बैच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10th में 50% या उससे अबव होना चाहिए, और 12th की हम बात करें तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होने वाली है, 12th में भी 50% या उससे अबव होना चाहिए। कंपिटेंशन पर इनम की बात करें तो फर्स्ट ईयर इस नाइफ फंड जो होने वाला है 12,400 पर मंथ का होने वाला है। सेकेंड ईयर में आपका जो यहाँ पे अगर आप कंपनी में सेलेक्ट होते हो तो 15,488 पर मंथ का होने वाला है। अगर थर्ड ईयर की हम बात करें तो यहाँ पे 17,553 पर मंथ होने वाला है, और फोर्थ ईयर में की बात करें तो 19,618 यहाँ पे होने वाला है। तो ईयर के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करेगी काफ़ी अच्छी और गुड वे में। तो आप सबके लिए काफ़ी बिग अनाउंसमेंट है बिग कंपनी की तरफ से। तो अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, 2020-21 या 22 के पास आउट हो, या आप 2022 में पास आउट होने वाले हो या भी पास आउट हो चुके हो, तो जाके अप्लाई कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, क्योंकि काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है विप्रो जैसी कंपनी की तरफ से। इवेल्युएशन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट सबसे पहला राउंड जो आपका होगा उसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और ऑनलाइन टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द वर्बल एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी का होगा 20 मिनट्स का, और रिटन कम्युनिकेशन इवेल्युएशन होगा 20 मिनट्स का। उसके बाद बिजनेस राउंड होगा, दिस राउंड इज कंडक्टेड बाय द पैनल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट टीम के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे होने वाली है, द एग्रीमेंट पीरियड ऑफ द 48 मंथ फ्रॉम द डेटा ऑफ द ज्वाइनिंग, जिस डेट से आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे आपको 48 मंथ मतलब फोर ईयर आपको यहाँ पे कंपनी में वर्क करना ही होगा। अगर आप कंपनी में सेलेक्ट होते हो ज्वाइन करते हो 4 ईयर के बाद ही आप कंपनी को स्विच कर सकते हो, लीव कर सकते हो। उसके बीच में अगर
बिना टाइम एंड हुए आप अगर बीच में स्विच करते हो, कंपनी को लीव करते हो, तो आपको 75,000 यहाँ पे पे करना होगा, तभी आप कंपनी को स्विच कर सकते हो। और एडिशनल क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ ईयर इन एजुकेशन गैप 3 ईयर का अगर एजुकेशन गैप है आपके, तो आप सब एलिजिबल हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ एनी इज अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे जो 10th और ग्रेजुएशन के बीच बात की गई है, नो गैप्स आर अलाउड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कोई भी गैप अलाउ नहीं है। द डिग्री शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग, तो जो जितने ईयर की डिग्री होती है उतने ही ईयर में कम्प्लीट होनी चाहिए। और एजुकेशन शुड बी रेगुलर फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसकी भी कर सकते हो। जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात ही मैंने आप सबको पूरा डिटेल में बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो फटाक से जाके रजिस्टर कर देना। बेसिकली ये जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है सुपर सेट के प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और काफ़ी ईजी प्रोसेस होने वाला। फटाक से जाके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर फिलअप करनी है, फिलअप करके जाके अप्लाई कर देना। और चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। तो यहाँ पे इन्फोसिस कंपनी हायरिंग कर रही है फॉर फ्रेशर के लिए, काफ़ी अच्छी और बिग हायरिंग होने वाली इन्फोसिस कंपनी की तरफ से एक बार फिर से, और फॉर फ्रेशर के लिए बीटेक यमी एमटेक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी है। तो जाके फटाक से अप्लाई कर देना अगर आप फ्रेशर हो और इन्फोसिस जैसे बिग कंपनी में वर्क करना चाहते हो। तो एप्लीकेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए होने वाली है, तो एनी ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, और काफ़ी अच्छी और बिग अनाउंसमेंट है एक बार फिर से इन्फोसिस कंपनी की तरफ से। जाके फटाक से फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना। 100% आपको टेस्ट का लिंक आने वाला है फर्स्ट राउंड के लिए, और जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हो फर्स्ट राउंड के बाद उसमें आपको होल्डर मिल जाएगा। तो जाके फटाक से अप्लाई कर देना। इन्फोसिस जैसे बिग कंपनी में मास हायरिंग हो रही है इन्फोसिस कंपनी की, और जो पैकेज होने वाला है स्टार्टिंग पैकेज 3.5 लाख का होने वाला, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा और बिग पैकेज है। और चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट जॉब आ रही है एसेंचर कंपनी की तरफ से आ रही है, न्यू एसोसिएट बिजनेस प्रोसेस डिजाइन रोल के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो न्यू एसोसिएट बिजनेस प्रोसेस डिजाइन रोल के लिए, तो जाके अप्लाई कर देना। और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएशन यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जॉब लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही कंपनी की तरफ से। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे होने वाली थी, एनी ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बैच का क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम आपको 0 या मैक्सिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो, और काफ़ी अच्छा और बिग रोल होने वाला, और बिग पैकेज ऑफर होता है फॉर दिस रोल। और चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब आ रही है IBM कंपनी की तरफ से आ रही है, जो रोल होने वाला है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है, और काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, और काफ़ी अच्छी और बिग अनाउंसमेंट है। जितने भी स्टूडेंट फ्रेशर स्टूडेंट है 2021-22-23 बैच के स्टूडेंट हैं, और जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है बैचलर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डिग्री बीटेक बीएमसीए एमटेक ईएमई वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन या बैचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप सब एलिजिबल होने वाले, अप्लाई कर सकते हो। जॉब टाइप में फुल टाइम जॉब होने वाली, पोजीशन काफ़ी अच्छी और बिग होने वाली है, और कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो यहाँ पे होने वाली है रेगुलर होने वाली है। जो रोल होने वाला एप्लीकेशन प्रोग्रामर मीन्स एसोसिएट सिस्टम इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है, जाके फटाक से अप्लाई कर देना, काफ़ी ईजी प्रोसेस होने वाला है। और चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जॉब आ रही है नो गेयर्स कंपनी की तरफ से आ रही है, जो रोल होने वाला ट्रेनिंग या SAP सिक्योरिटी एडमिन रोल के लिए हायरिंग हो रही है। तो बेसिकली ये जो जॉब होने वाली सिक्योरिटी से रिलेटेड होने वाली है, जो लोकेशन होने वाली पुणे और महाराष्ट्र जैसी बिग लोकेशन के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। डिजाइन ट्रेनिंग या SAP सिक्योरिटी के एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इस सिक्योरिटी लाइन में, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। जॉब पुणे लोकेशन के लिए हो रही है,
और भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन और हायर बीटेक बी बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। गुड टेक्निकल बैकग्राउंड विथ सम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिजायरेबल होना चाहिए। बी हाईली मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग एंड पॉसेस गुड टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। एक्सीलेंट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ ए ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम होना चाहिए। तो जाके अप्लाई कर देना, काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी रोल के लिए कंपनी हायरिंग करती है, उनकी डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, तो आपका स्कोप उसमें काफ़ी अच्छा होने वाला है। जाके अप्लाई कर देना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो कैनालिसिस कंपनी हायरिंग कर रही है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, जो जॉब की लोकेशन होने वाली बेंगलुरु लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है। क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर की बात करें तो स्किल इज बिल्डिंग डेटा मॉडल्स एंड टूल्स इज सिमिलर प्राइमरी या सपोर्टिंग रोल होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग और टेकिंग मार्केट कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग मैथमेटिक्स मॉडल फ्रॉम इट। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन ऑफ एक्सक्यूएल टूल्स इन ऑर्डर टू यूज मल्टी अवेंस ऑफ डेटा। नॉलेज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर सच एज पाइथन और इन ऑर्डर टू राइट एडेक्टिव प्रोग्राम्स एंड क्वेरीज एनालाइज द लार्ज डेटा। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, बट जो बेसिक चीज़ें थी, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है डेटा एनालिस्ट के लिए, मैंने आप सबको बता दिया है। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम 60% अगर आपका है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। बैचेस की बात करें, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब आ रही है पेशे कंपनी की तरफ से आ रही है, जो रोल होने वाला है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप सबके लिए। रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे गुड नॉलेज एंड वेरी स्ट्रांग प्रोग्रामिंग स्किल इन एनी लैंग्वेज जावा सी सा पाइथन प्रेफर्ड है यहाँ पे। गुड नॉलेज ऑफ रिलेशनल एंड नो एक्सक्यूएल डेटा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 0 to 1 year एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस विथ स्ट्रांग बैकग्राउंड इन डेटा स्ट्रांग एंड एल्गोरिथम स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। इंथ्यूजिएट About doing a new thing and learning new technology. Candidate graduating 2020-21-22 are eligible to apply. तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी वाली होने वाली फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और आप 2020-21-22 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप सब एलिजिबल होने वाले, अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो बीटेक एमई एमटेक एंड एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है। और कट ऑफ और परसेंटेज की बात करें तो 65% होना चाहिए। नो बैकलॉग्स यहाँ पे अलाउ है, कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। तो जाके अप्लाई कर देना अगर आप 2020-21-22 बैच के स्टूडेंट हो, और अभी भी ये लिंक एक्टिवेट है, फटाक से जाके अप्लाई कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी बिग सैलरी ऑफर करती है फॉर ए बिग रोल। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी आई थी जॉब से रिलेटेड, मैंने आप सबको पूरा डिटेल में वीडियो बना के इन इजी वे में बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम को टाइम रहते सॉल्व किया जाएगा। और आप किस बैच से रिलेटेड वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। और अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया तो जाके चैनल को विजिट करना, और वहाँ भी जाके वीडियो को देख के अप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के लिंक एक्टिव है और काफ़ी अच्छी अच्छी और बिग कंपनी हायरिंग कर रही है। और आई होप वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।